नमस्कार, हेलो। आप सभी का बेहद स्वागत है सीआईईटी एनसीईआरटी के लाइव फोन इन इंटरैक्टिव कार्यक्रम में। ये हमारी एक वेबिनार सीरीज है जहां हम बातचीत करते हैं ईटी एंड आईसीटी टूल्स पर। आज हम बातचीत करने वाले हैं व्हाट्सएप पर, किस तरह से व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। मैं हूं तन्वी खुराना, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल्स पर भी, जो कि हैं NCERT ऑफिशियल और NCERT PM ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक। आप चाहें तो इनके लाइव चैट बॉक्स में भी कुछ सवाल, कुछ क्वेरीज लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। 5 बजे तक हमारे साथ एक मेहमान है जो मौजूद रहेंगी, आपके सभी सवालों का जवाब देंगी, और अगर आप 5 बजे तक हमें अपने सवाल पहुंचाएंगे तो हमें उन्हें लेने में भी बहुत खुशी होगी। तो यूज़ ऑफ व्हाट्सएप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये है हमारा आज का विषय, और बताना चाहेंगे बहुत सारे माध्यम हैं जिनके ज़रिए आप हम तक पहुँच सकते हैं। आप चाहें तो हमें फ़ोन कीजिए, नंबर है 8800044059, और चाहें तो आप हमें ईमेल आईडी पर भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं training.helpdesk@ciet.nic.in। तो चलिए आपका परिचय करवाना चाहेंगे हमारी आज की मेहमान से। हमारे साथ है डॉक्टर बुशरा हुसैन, स्वागत है मैम आपका। थैंक यू तानवी, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीआईईटी एनसीईआरटी के कि उन्होंने मुझको ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने रूबरू हो सकूं यूज ऑफ व्हाट्सएप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। थैंक यू मैम आपका भी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना समय दिया उसके लिए। आपका छोटा सा परिचय हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। मैम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बीएड एंड डीईसीसीई सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से। तो मैम से हम बातचीत शुरू करते हैं और समझते हैं, हम सभी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ्स में, सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के पास, और व्हाट्सएप सबसे इजी मीडियम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां हम बातचीत करते हैं। पर अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो व्हाट्सएप कितना ज़रूरी है, किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, चलिए समझते हैं मैम से। डॉक्टर हुसैन, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी और आज का जो मेन फोकस है हमारे इस प्रोग्राम का वो किस पर है, ये भी बताइएगा। बिल्कुल तानवी, आज के सेशन में बेसिकली हम लोग यही जानेंगे कि किस तरह से व्हाट्सएप, जो कि हम सभी के स्मार्टफोन्स में एक ऐसा ऐप है जो हमेशा डाउनलोड रहता है, तो आज हम देखेंगे कि हम अपने सोशल कॉन्वर्सेशन के साथ साथ किस तरह से व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए भी, और व्हाट्सएप के यूज के साथ किस तरह से हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एज अ टीचर और साथ ही एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट भी बेनिफिट्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो मैं अब पीपीटी के सहायता से आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट्सएप किस किस तरह से हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूजफुल रहता है। तो शुड आई स्टार्ट तानवी? बिल्कुल मैम। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि व्हाट्सएप कैसे शुरू हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि जनवरी 2009 में जैन कॉम एंड ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप जो है वो हम सबको एक गिफ्ट, एक तोहफे के रूप में दिया, जो कि एक बहुत ही सिंपल और रिलायबल और फ्री मैसेजिंग ऐप था, जिसमें बिना किसी एड्स, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अनवांटेड जो साइट्स के बीच बीच में डिस्क्रिप्शन आते हैं, जैसा कि हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, उन सब के बगैर किस तरह से हम व्हाट्सएप को यूज कर सकते थे, तो जनवरी 2009 में हमने ये देखा। नवंबर 2009 में जैन कॉम और ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप का 2.0 वर्जन जो है वो लॉन्च किया, जिसके बहुत ही सारे ऐसे स्पेशल फीचर्स थे जिसका हम सभी कहीं ना कहीं यूज करते थे। सबसे पहले जो व्हाट्सएप था वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ और आईफोन के द्वारा प्रमोट किया गया, और उसके बाद अगस्त 2010 के आते आते तक हम सभी जो है व्हाट्सएप से फेमिलियर हो गए थे,
हम सब ने देखा कि किस तरह से व्हाट्सएप को यूज करके हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, हम अपनी मल्टीमीडिया शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटोज, वीडियोज या फिर वॉइस मैसेजेस के रूप में हम लोग जो है शेयर कर सकते हैं उन सभी से जो हमसे बहुत दूर है। प्राइमरीली हमारा जो फोकस था वो हमारे फ्रेंड्स और हमारे रिलेटिव्स थे, तो हम व्हाट्सएप को यूज करते थे अपने साथियों के साथ, जो हमारे फ्रेंड्स होते थे, जो हमारे रिलेटिव्स होते थे, जो हमसे दूर होते थे, उन सब के साथ कॉन्वर्सेशन के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो व्हाट्सएप है उसने अपने फीचर्स को और ज्यादा एडवांस किया और उसी के साथ साथ जो इसका यूसेज था, जो इसकी एडेप्टेबिलिटी थी, जो लोगों की लर्नेबिलिटी थी टूवर्ड्स व्हाट्सएप, वो भी चेंज हुई। और हमने देखा कि अप्रैल 2011 के बाद फरवरी 2013 तक आते आते अराउंड 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे जो व्हाट्सएप को यूज करते थे। लेकिन उस वक्त भी व्हाट्सएप का जो यूज था वो प्राइमरली सोशल कॉन्वर्सेशन के लिए था, कम्युनिकेशन के लिए था। उस टाइम पर भी व्हाट्सएप को हम लोग जो थे इतना ज़्यादा अपने एजुकेशन या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर 2018 में व्हाट्सएप ने ग्रुप वीडियो कॉल्स को भी इनेबल किया और जिस तरह से हम लोग स्नैपचैट या इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कुछ वीडियोस जो है वो हम लोग पोस्ट करते थे, वीडियो कॉल्स जो था वो पॉसिबल था, सिमिलरली हमने व्हाट्सएप पर भी वो सारे फीचर्स को यूज़ किया। और एक सबसे बहुत बड़ी बात जो मैंने अभी पहले बताई एंड दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगी वो ये है कि व्हाट्सएप में एड्स जो है अनवांटेड एड्स वो नहीं आते हैं, तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग व्हाट्सएप। सिमिलरली जो अनवांटेड वीडियोस है या जो कंटेंट है जो हम नहीं चाहते कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स हैं वो देखें, तो उससे भी हम लोग एक सेफ साइड पर होते हैं जब हम व्हाट्सएप को यूज करते हैं। और फिर हमने देखा कि किस तरह से 2021 में भी व्हाट्सएप जो है उसने अपने फीचर्स को और ज़्यादा एनहांस किया और फिर विदाउट फोन हम अपने डेस्कटॉप से, अपने पीसी से भी हम अपने व्हाट्सएप की सर्विसेज को यूज़ कर सकते थे। तो ये एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो हम सभी ने देखा, एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैम ने हमें बताया कि किस तरह से व्हाट्सएप की शुरुआत हुई थी, किस साल में हुई थी, किन्होंने की थी, किस पर्पस से की थी। और जैसा कि मैम ने बताया कि व्हाट्सएप आज की डेट में हम उसमें अपना स्टेटस शेयर कर सकते हैं, मल्टीमीडिया अलग अलग फॉर्म्स में शेयर कर सकते हैं, वीडियोस शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में और जेपीजी के फॉर्म में, हम फोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारा मटेरियल शेयर कर सकते हैं जो हमें कम्युनिकेट करने में बहुत मदद करता है। तो इसी तरह अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो उसमें भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है और इसी बारे में हम मैम से और भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेंगे कि किस तरह व्हाट्सएप इतना इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि बच्चे और जो अभिभावक हैं उनके लिए भी ये बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस बातचीत को कंटिन्यू करते हैं, मैम से पूछते हैं। मैम क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल तानवी। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से व्हाट्सएप जो है वो विद इन 10 इयर्स अपने फीचर्स को एनहांस करके हमारे सोशल कॉन्वर्सेशन के लिए, हमारे एक डे टू डे कम्युनिकेशन डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही यूजफुल रहा। जी मैम, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पर, पर क्या आप अपनी प्रेजेंटेशन एक बार शेयर कर देंगे ताकि हम उन्हें व्यूअर्स को भी दिखा सकें और आपकी बातचीत भी उन तक पहुँच जाएगी साथ ही साथ। जी एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, सभी हमारे दर्शक हमें देख पा रहे हैं इस वक्त NCERT ऑफिशियल हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, और अगर आपके पास कोई सवाल है इस विषय से जुड़े हुए तो हमें लाइव चैट के माध्यम से ज़रूर पहुँचाइए, उसमें अपने सवाल लिखिए और हम तक पहुँचा दीजिए, बस इतना सा ही काम है। तो चलिए मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कंटिन्यू। तानवी, आई होप माय PPT इज विजिबल नाउ। यस मैम, इट इज़।
ओके तो चलिए अब आगे बात करते हैं और देखते हैं कैसे व्हाट्सएप जो है वो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमारे डे टू डे क्लासरूम टीचिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो व्हाट्सएप को अगर हम देखें तो व्हाट्सएप हमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपना रियल टाइम कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। एक टीचर एक पर्टिकुलर प्लेस या लोकेशन से अपने स्टूडेंट्स जो कि अक्रॉस द एरिया अक्रॉस द ग्लोब फैले हुए हैं उन सब से कम्युनिकेट कर सकती है विद द यूज ऑफ व्हाट्सएप। और वो जो कम्युनिकेशन है वो एक रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा हम लोग ग्रुप चैट्स भी कर सकते हैं, हम लोग क्लास ग्रुप डिस्कशंस बना सकते हैं, डिस्कशन फोरम्स हम बना सकते हैं, कोई अनाउंसमेंट सेक्शन हम बना सकते हैं जिसमें हमारे जो लर्नर्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स। एज अ टीचर अगर हम किसी ग्रुप चैट्स को क्रिएट करते हैं और उसमें कोई असाइनमेंट क्वेश्चंस जो है वो हम शेयर करें तो हमारे स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करके आपस में पेयर लर्निंग को पॉसिबल कर सकते हैं। तो इसलिए भी व्हाट्सएप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है। एंड देन कोलैबोरेशन, क्योंकि आजकल हम सभी जानते हैं कि हम लोग इंडिविजुअल लर्निंग से ज़्यादा कोलैबोरेटिव लर्निंग कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं और इसको ही हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो विद द यूज़ ऑफ व्हाट्सएप हमारा जो कोलैबोरेटिव टास्क है इन द फॉर्म ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग वो भी पॉसिबल हो पाता है। एज अ टीचर हम कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, डिस्कशन फोरम क्रिएट कर सकते हैं और हम कोई भी क्वेश्चन कोई भी असाइनमेंट पोस्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप पे और फिर हम अपने स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोलैबोरेटिव लर्निंग करें और आपस में अपने साथियों से बहुत कुछ सीखें। तो इस तरह से भी हम लोग व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। फिर जो एक और चीज है वो ये है कि व्हाट्सएप हमें मल्टीमीडिया शेयरिंग इन रियल टाइम एंड लोकेशन के लिए अलाउ करता है। तो हम कोई भी इमेज कोई भी वीडियो कोई भी ऑडियो फाइल कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी पीडीएफ बहुत इजीली इन जस्ट वन क्लिक शेयर कर सकते हैं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स के साथ। सो दैट फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर होम्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो उनके पेरेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट सारे लर्निंग मटेरियल डिफरेंट रिसोर्सेज जो कि इमेज के फॉर्म में हो सकता है वीडियो के फॉर्म में हो सकता है या किसी ऑडियो क्लिप के फॉर्म में हो सकता है उसको यूज कर सकते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। इसके अलावा व्हाट्सएप हमें ये भी अलाउ करता है कि हम रेफरेंसेस के जो लिंक्स होते हैं आजकल हम सभी जानते हैं कि हम लोग OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और इन OER सोर्सेज के जो लिंक्स होते हैं वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को जब भी टाइम मिले जब भी उनका एक फ्री टाइम हो तो उस फ्री टाइम को वो एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकें अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकें इन अ प्रॉपर डायरेक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और इसके लिए भी व्हाट्सएप हमें बहुत ही यूजफुल जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि हम बहुत इजीली वेरियस लिंक्स वेरियस क्लिपिंग्स वेरियस रेफरेंसेस को शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। इसी के बाद हम होमवर्क एंड असाइनमेंट्स में भी व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और वो किसी दिन किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाता है स्कूल अटेंड नहीं कर पाता है तो अगर टीचर होमवर्क असाइनमेंट या क्लास वर्क व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती है तो जो पेरेंट्स हैं इन एब्सेंटीज स्टूडेंट्स के वो होमवर्क या असाइनमेंट को व्हाट्सएप ग्रुप से कॉपी करके अपने जो चाइल्ड है अपना जो वार्ड है उसका असाइनमेंट उसका होमवर्क और उसका क्लास वर्क भी कंप्लीट करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि हम सभी को एज अ टीचर एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट यूज करना चाहिए ताकि जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है
वो किसी भी कारण की वजह से रुक ना सके। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, कल बहुत तेज बारिश हुई जिसकी वजह से आज हमें पता है कि सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो बहुत से टीचर्स ने एक इनिशिएटिव लिया और जो व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने क्रिएट किए हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने कुछ छोटा टास्क, कोई असाइनमेंट के फॉर्म में कोई शीट जो है वो शेयर की, ताकि पेरेंट्स जो बच्चों का 8-9 आवर्स का टाइम पीरियड है जो वो घर में है एंड दे आर नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल, उसमें वो यूज कर सकते हैं इन होमवर्क, इन असाइनमेंट वर्कशीट को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को कोई भी टास्क कंप्लीट कराने के लिए। और इससे ये भी इंश्योर होता है कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो किसी भी रीजन की वजह से कभी ना रुके। इसी इन सारे चीजों के साथ साथ व्हाट्सएप जो है वो हमें और भी बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरैक्टिव लर्निंग जो है वो पॉसिबल हो पाती है। हम लोग पोल्स यूज कर सकते हैं, हम लोग क्विज बना सकते हैं, हम लोग कोई इंटरैक्टिव एक्टिविटी भी कर सकते हैं विद इन वन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, टीचर जो है वो एक क्वेश्चन पोस्ट करती है, सभी स्टूडेंट्स अपना अपना रिप्लाई करते हैं, और जब सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई कर चुके होते हैं तो जो टीचर है वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ग्रुप में शेयर कर सकती है। तो इस तरह से जो स्टूडेंट है वो सेल्फ असेसमेंट भी कर सकता है और एक रियल और करेक्टिव फॉर्म में जो लर्निंग है वो पॉसिबल हो पाती है। इसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो व्हाट्सएप हमें अलाउ करता है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। और जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार हम लोग अपनी क्लासरूम्स में देखते हैं कि 40 या 50 के स्ट्रेंथ में से 4 या 5 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एवरी क्लास में ऐसे होते हैं जो बहुत शाय होते हैं, या मैं कहूँ कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, जिसकी वजह से जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है तो ऑल्दो उनका आंसर पता होता है उन स्टूडेंट्स को, लेकिन बिकॉज दे आर वेरी शाय, दे डोंट वॉन्ट टू ओपन अप, वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाते कि वो हैंड रेज करके या क्लास में सभी बच्चों के सामने खड़े होके अपना जवाब दें। तो व्हाट्सएप उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस तरह के सभी बच्चे अपने आंसर्स और अपने हिडन पोटेंशियल, अपने हिडन टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं अपने टीचर या क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के साथ। इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ जो एक और फीचर व्हाट्सएप की वजह से पॉसिबल हो पाता है, मुझे लगता है वो है फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, आज का ही मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, बारिश की वजह से बच्चे स्कूल नहीं गए, टीचर ने एक होमवर्क दिया, बच्चों ने होमवर्क किया, फोटो क्लिक किया और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। अब टीचर ने रियल टाइम में बच्चों का जो असाइनमेंट है उसको चेक किया, टीचर व्हाट्सएप ग्रुप पे फीडबैक दे सकता है। तो इमीडिएट फीडबैक ऑफ टीचर्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स पॉसिबल होता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल हम सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, व्हाट्सएप है, स्टूडेंट्स के पास नहीं है लेकिन ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स के पास अवेलेबल होता है। तो इस व्हाट्सएप को हम यूज कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, असेसमेंट के लिए, होमवर्क के लिए एंड ऑल्सो फॉर फीडबैक मैकेनिज्म। अब अगर हम व्हाट्सएप को यूज करते हैं तो एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग जो है वो पॉसिबल होती है। मैं यहाँ पर अपने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं जो है आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रही हूँ, और मे बी मुझे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया से देख पा रहे हैं। तो ये एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग का, और ये भी पॉसिबल हो पाता है हमारे व्हाट्सएप। एंड आफ्टर दैट एक एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं जिसमें व्हाट्सएप जो है वो अवेलेबल है, एंड फॉर दैट वी आर एबल टू यूज व्हाट्सएप फीचर एंड ऑल द फैसिलिटीज जो हमें व्हाट्सएप प्रोवाइड करता। मोबाइल लर्निंग की हम बात करते हैं, देखिए जो यूट्यूब है या अगर मैं कहूँ गूगल क्लासरूम है या फिर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वेबसाइट्स हैं जो हमारी रियल टाइम लर्निंग को पॉसिबल करता है, लेकिन कई बार वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर मैं इंडियन सिनारियो की बात करूँ तो बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं
जिनके पास जो डेस्कटॉप है या फिर जो लैपटॉप है वो अवेलेबल नहीं होता है, उन सभी बच्चों के लिए भी हमारी जो मोबाइल लर्निंग है वो पॉसिबल हो पाती है अगर व्हाट्सएप को हम यूज करते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। तानवी, आई होप आई एम ऑडिबल। यस मैम। ओके, सो लेट अस मूव ऑन। उसी के साथ जो व्हाट्सएप है वो हमें अलाउ करता है पर्सनलाइज्ड सपोर्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने ग्रुप में कुछ शेयर किया, अब कोई मेरा स्टूडेंट है जो उन 40 स्टूडेंट्स के बिटवीन मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता है, तो इस तरह के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझको एक पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेज या फिर इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो मैसेज, और इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल लर्निंग जो है वो पॉसिबल हो पाएगा अगर कोई भी स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप को यूज करता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें वन टू वन इंटरैक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाता है विद द यूज ऑफ व्हाट्सएप। एंड देन ऑब्वियसली वी गेट पीयर सपोर्ट थ्रू व्हाट्सएप, जो हमारे लर्नर्स हैं वो आपस में भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगेन आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैंने कुछ क्वेश्चन जो है उसमें रेज किया। अब मानिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं समझ पा रहे, तो दे कैन हेल्प ईच अदर्स, दे कैन टेक द हेल्प फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम क्लास। तो पीयर सपोर्ट, पीयर लर्निंग, पीयर फीडबैक जो है वो भी पॉसिबल होता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। और इस सभी के ऊपर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी पॉसिबल हो पाता है। पेरेंट्स भी टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर ने क्या असाइनमेंट, क्या होमवर्क, क्या क्लास वर्क जो है वो दिया है, वो चेक कर सकते हैं कि हमारा जो चाइल्ड है वो होमवर्क या क्लास वर्क या अपना असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट टाइमली करता है या नहीं करता है। या हम सबको पता है आजकल तो जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो भी टीचर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती है। तो पेरेंट्स बच्चों का जो असेसमेंट है, बच्चों का जो एक डेवलपमेंट है इन वेरियस फील्ड्स एंड एरियाज, वो भी हम देख सकते हैं विद द हेल्प एंड यूज ऑफ व्हाट्सएप। तो ये व्हाट्सएप जो है ये एक्चुअली बहुत यूजफुल है, और हमें एज अ टीचर, एज अ पेरेंट एंड ऑल्सो एज अ स्टूडेंट व्हाट्सएप को यूज करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं प्राइवेसी की बात करूँ, तो प्राइवेसी को भी, जो एक प्राइवेसी फीचर है उसको भी व्हाट्सएप जो है वो अब और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। और इसके जो प्राइवेसी कंसर्न्स थे, जो क्रिटिसिज्म था व्हाट्सएप पे, वो भी आई थिंक अब ओवरकम किया गया है विद ऑल द न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी स्क्रूटिनी दैट इज ऑफर्ड बाय व्हाट्सएप दीज डेज। उसके अलावा और भी हमें पता है कि बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक टेलीग्राम एंड सिग्नल, जो कि बहुत पॉपुलर है, लेकिन व्हाट्सएप जो है वो अभी तक बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। और इसीलिए इंडियन सिनेरियो में भी अगर हम देखें तो हमारे पेरेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स सभी जो है वो व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके अलावा अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, तो व्हाट्सएप हमें अलाउ करता है कि हम कोई भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो कर सकें थ्रू व्हाट्सएप। अगेन मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी एंड इनफैक्ट आई विल शो यू आल्सो। अब आज सुबह कल बारिश हुई, रोड ब्लॉक हो गए, वाटर लॉगिंग हर जगह हुआ, और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो सभी स्कूल के हेड्स थे उन्होंने एक मैसेज जो है वो डिसमिनेट किया कि आज ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर सारे स्कूल्स बंद रहेंगे। तो इमेजिन करिए 5 साल पहले जब व्हाट्सएप नहीं था, और अगर ऐसी सिचुएशन होती तो हम अपने चिल्ड्रेन को स्कूल के लिए सुबह उठाते, रेडी करते, हम सब उन्हें छोड़ने जाते, और फिर हमें पता चलता कि आज स्कूल जो है वो ड्यू टू वाटर लॉगिंग क्लोज है। तो इस चीज़ से हम बच पाए, क्यों? क्योंकि एक क्विक, एक रियल डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल रहा ड्यू टू व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन आई, सभी पेरेंट्स ने टाइमली चेक की, और इस तरह से जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनका स्कूल जाना बच गया। तो इस तरह से हम लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई इवेंट कोऑर्डिनेशन करना है,
तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, या अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है तो उसके लिए भी हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जो हमारे प्रिंसिपल या फिर हमारे और कोई स्टेक होल्डर है या फिर हमारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं, सो दे कैन ऑल्सो कोऑर्डिनेट इफेक्टिवली विद द यूज ऑफ व्हाट्सएप. तो उस सब के लिए भी व्हाट्सएप जो है वो बहुत ही यूजफुल रहता है. अगर मैं अटेंडेंस ट्रैकिंग की बात करूँ तो अटेंडेंस ट्रैकिंग, एक इनफॉर्मल अटेंडेंस जो है वो भी पॉसिबल हो सकती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के सहायता के साथ. एज अ पेरेंट अगर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जो वार्ड है वो स्कूल पहुँचा या नहीं पहुँचा, या बस से या कैब या वैन से अगर मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो क्या वो स्कूल पहुँचा है या नहीं, तो अगर टीचर्स एब्सेंटीज की लिस्ट डेली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती है तो आई कैन चेक इट एंड विद वन क्लिक ओनली आई कैन मेक श्योर, आई कैन गारंटी इट कि मेरा जो वार्ड है वो स्कूल में सेफली पहुँच गया है. तो अटेंडेंस ट्रैकिंग के लिए भी जो व्हाट्सएप है वो हमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगता है. अब अगर हम बात करें कि और कैसे हमने व्हाट्सएप को यूज किया अलग अलग टीचिंग लर्निंग को पॉसिबल करने के लिए, तो मैं आप सभी को 2020 में वापस लेके जाना चाहती हूँ, जब हम सभी ने एक COVID-19 जैसा ब्रेकडाउन देखा. Obviously, no doubt it has so many, you know, negative sides that we have seen of WhatsApp, of COVID-19. लेकिन उस पीरियड में हमने बहुत कुछ सीखा. हमने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना सीखा अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ, और हमने देखा कि किस तरह से हम लोग WhatsApp को यूज कर पाए COVID-19 के लॉकडाउन में. और शायद उस पीरियड में जब हमारा जो एक एजुकेशन प्रोसेस था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था, वो पूरी तरह से बंद हो जाता, लेकिन थैंक्स टू व्हाट्सएप, थैंक्स टू ऑल दीज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमने अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था वो यूज किया. और आप सभी ने भी किया होगा, एज अ टीचर हमने असाइनमेंट्स बनाए, हमने जो समरी है किसी चैप्टर की या फिर जो भी एक्सप्लेनेशन है वो हमने रिकॉर्ड किया, व्हाट्सएप पे हमने शेयर किया, पेरेंट्स ने वो सुना, बच्चों को उसकी सहायता से पढ़ाया, हमने असाइनमेंट्स को, क्वेश्चंस को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया और पेरेंट्स ने उन असाइनमेंट्स और उन क्वेश्चंस को लेकर अपने बच्चों को होमवर्क कराया, असाइनमेंट्स कंप्लीट कराया, फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, टीचर्स ने उसको असेस किया, उसके बेसिस पे अपना फीडबैक दिया और स्टूडेंट्स का असेसमेंट हुआ. तो उस टाइम पे हमने देखा कि जब ऐसे सिचुएशन थी कि हम लोग फोर वॉल्स ऑफ आर होम्स कन्फाइंड थे, उस टाइम पर भी हमने व्हाट्सएप को यूज किया और एजुकेशन प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हमने रुकने नहीं दिया. इसका एक और दूसरा बहुत बेहतरीन एग्जांपल यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप को हमने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए या स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं. अभी मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगी जिसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग CDOE जामिया मिलिया इस्लामिया में यूज करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को इन ऑर्डर टू डिसमिनेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद आवर लर्नर्स. तो इसी तरह से अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 7A को पढ़ाती हूँ और मेरे स्कूल में 7th क्लास के 4 सेक्शंस हैं A, B, C, D, तो इन चारों सेक्शन के मैथमेटिक्स के लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती हूँ, साइंस सब्जेक्ट के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती हूँ, और उन पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक या फिर कोर्स स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकती हूँ. इससे बहुत रियल टाइम लर्निंग होती है, एक डिस्कशन फोरम क्रिएट होता है जिसमें स्टूडेंट्स आपस में और अपने सभी सब्जेक्ट टीचर्स के साथ जो लर्निंग है, टीचिंग है, उसको पॉसिबल कर पाते हैं. तानवी, आई होप आई एम ऑडिबल. बिल्कुल मैम. ओके, अब एक तीसरा एग्जांपल भी मैं देना चाहूंगी. आजकल क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग का भी जमाना है, तो टीचर्स जो है वो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, अपने एजुकेशनल पॉडकास्ट को भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, और जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं अटेंड कर पाते या स्कूल नहीं अटेंड कर पाते ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजन, वो भी इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स और एजुकेशनल पॉडकास्ट के थ्रू जो जो भी कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुआ है या जो भी कंटेंट डिलीवर किया गया है ड्यूरिंग द क्लास,
उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी तरीके से हम लोग जो है यूज करते हैं व्हाट्सएप को अपने एजुकेशनल फील्ड। अब क्योंकि मैं खुद सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में हूँ, जहाँ पे नॉट ओनली फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया बट वी हैव द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप को यूज करते हैं अपने इस डिस्टेंस एजुकेशन के डिस्टेंस को, गैप को फिल करने के लिए, तो बहुत जल्दी से मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सभी बैचेस के लिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं, हर प्रोग्राम के लिए भी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, कोई भी इम्पॉर्टेंट नोटिस होता है, हमारे असाइनमेंट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, वी आर एबल टू डिसमिनेट इट विद अवर स्टूडेंट्स यू नो लोकेटेड अक्रॉस द ग्लोब। रिमोट एरियाज में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन सब के साथ हम व्हाट्सएप पे ये सारा कंटेंट, ये सारे मटेरियल, रिकॉर्डेड सेशंस शेयर करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स डिस्टेंस एजुकेशन में हैं, दे शुड नॉट फील द डिस्टेंस बिटवीन द लर्निंग प्रोसेस। और उसके लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि व्हाट्सएप जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जितने भी बैरियर्स, जितने भी चैलेंजेस होते हैं, हम उन सबको ओवरकम कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप हमें डिस्टेंस एजुकेशन में भी बहुत ही ज्यादा काम आता है। अब देखिए, जब हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर चीज के दो साइड्स होते हैं, वन इज द पॉजिटिव साइड एंड देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव साइड ऑफ इट। तो सिमिलरली विद व्हाट्सएप, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि अभी पिछले स्लाइड्स के थ्रू मैंने आपके साथ शेयर किए, लेकिन obviously WhatsApp has its own challenges and also considerations. तो privacy और security जो है, एक personal information जो है वो जा रही है। अगर मैं कोई list share करती हूँ students की WhatsApp group में, जिसमें मान लीजिए 50 students हैं, तो 50 students की email IDs, 50 students की UGC ABC ID, 50 students का जो contact number है, वो सभी students के पास जा रहा है। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज आर ऑलवेज देयर, डेटा प्राइवेसी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो भी शेयर हो रही है, तो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स दैट वी हैव व्हेन इट कम्स टू व्हाट्सएप। डिस्ट्रैक्शंस भी है, क्लास फोर्थ का या सिक्स या सेवन्थ का स्टूडेंट है, उसे पेरेंट ने फोन दिया कि आप फोन लीजिए और व्हाट्सएप पे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करिए, बट क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है, एक टीनेजर है, उसने ग्रुप चेंज किया और उसने एक गेम ओपन करा और गेम को वो खेलने लगा, उसने फेसबुक या इंस्टा ओपन किया और उस पे वो चैटिंग कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ। सो डिस्ट्रैक्शंस आर आल्सो देयर व्हेन इट कम्स टू द यूज ऑफ व्हाट्सएप थ्रू स्मार्टफोन्स। देन डिजिटल डिवाइड भी है। अगर हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, तो व्हाट्सएप हम एक्सेस कर सकते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप या एटलीस्ट एक बेसिक स्मार्टफोन से। अब इंडियन सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, अर्बन एरियाज में मे बी वी कैन सी कि हमारे सारे जो पेरेंट्स हैं, इनफैक्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स आल्सो, उन सभी के पास स्मार्टफोन्स है, तो व्हाट्सएप को वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इंडियन सिनेरियो में रूरल एरियाज की बात करूँ, जहाँ पे वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव सो मेनी एरियाज वेयर वी डोंट हैव नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो उन सभी एरियाज में जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज भी अभी नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो उन जगहों पे व्हाट्सएप को यूज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होती है। तो मुझे लगता है ये कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कंसिडरेशंस हैं, जिनको अगर आने वाले वक्त में विद द यूज एंड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट अगर हम सॉल्व कर पाएंगे, तो हम व्हाट्सएप को थ्रू आउट द कंट्री जो है बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। So we have seen the positive sides of using WhatsApp. We have seen that we have certain challenges, certain obstacles in the way of using WhatsApp. Lekin there are certain best practices जिस पे हमें अपना focus जो है वो रखना चाहिए। तो one is clear guidelines. अगर मैं as a teacher कोई group create करती हूँ,
तो एज एन एडमिन व्हाट्सएप मुझको बहुत सारे फीचर्स अलाउ करता है. मैं चाहूँ तो मैं चैट को कुछ लॉक कर सकती हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं. मैं कुछ मैसेजेस को, कुछ मीडिया जो कि मेरे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करते हैं, मैं उसको डिलीट भी कर सकती हूँ. एज एन एडमिन व्हाट्सएप मुझको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. लेकिन उसके बावजूद एज अ टीचर अगर मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करती हूँ तो क्लियर गाइडलाइंस उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए बनानी जरूरी है. क्योंकि विदाउट क्लियर गाइडलाइंस, विदाउट सर्टेन रूल्स, जो व्हाट्सएप है उसका मिसयूज भी हो सकता है. तो अगर एज अ टीचर मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करती हूँ तो आई हैव टू मेक श्योर दैट अलोंग विद क्रिएटिंग अ ग्रुप आई एम ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग सर्टेन रूल्स एंड सर्टेन गाइडलाइंस फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप. देन रेगुलर मॉनिटरिंग करनी जरूरी है. एज अ टीचर ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया और फिर मैंने 2 वीक्स बाद या 3 वीक्स बाद जाके उसको चेक किया. नो, मुझे टाइमली चेक करना है, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है कि जो भी कुछ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो रिलेटेड टू कंटेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि हमारे एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी और या फिर डिस्ट्रैक्ट होके उसको यूज करें. तो टीचर का रेगुलर मॉनिटरिंग करना, टीचर का रेगुलर चेक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है व्हाट्सएप ग्रुप. और इसके बाद बैलेंस यूज करना भी बहुत जरूरी है, जहाँ पे हम व्हाट्सएप को और बाकी एजुकेशनल टूल्स के साथ कोलैबोरेट करके बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एज अ टीचर मैं व्हाट्सएप ग्रुप को यूज करती हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ मैं जीमेल यूज करती हूँ और मैं गूगल क्लासरूम भी यूज करती हूँ, मैं टीचमेंट भी यूज करती हूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो इन सारे डिफरेंट एजुकेशनल टूल्स जो कि टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड कर चुकी है उनको मैं यूज करूँ अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो इन ऑर्डर टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से कि व्हाट्सएप एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है और मॉडर्न एजुकेशन को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट व्हाट्सएप. तो इसलिए व्हाट्सएप इज समथिंग जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ कंसिडरेशंस हैं जो कि एज अ टीचर हमें ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए हमें सर्टेन गाइडलाइंस, सर्टेन रूल्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए. और अगर हम ऐसा करेंगे तो वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट, वी विल बी एबल टू कोलैबोरेट एंड ऑल्सो वी विल बी एबल टू एंगेज ऑल आवर स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो अब मैं जल्दी से आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करना चाहूंगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देख सकें कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं. जी तान्वी, आई होप दैट इट इज विजिबल. बिल्कुल मैम, अभी हम आपकी स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं. ओके ओके, आई विल अगेन शेयर इट, जस्ट अ सेकंड प्लीज. Now is it visible? नहीं मैम, अभी भी हमें विजिबल नहीं है. हाँ जी, अभी हमें विजिबल था. जी ओके, जो आपने लास्ट शेयर किया था जी वो विजिबल था. ओके, नाउ इज इट विजिबल? यस मैम, इट इज विजिबल. ओके, तो स्टूडेंट्स यू कैन हैव अ लुक एट द व्हाट्सएप ग्रुप. तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें हमने अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और इससे हम जो अपनी शेयरिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की, वो बहुत ही रियल टाइम में पॉसिबल हो पाती है. मैं अब आप लोगों को जल्दी से एक और व्हाट्सएप ग्रुप दिखाना चाहूंगी. okay. कि किस तरह से इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ हम जो भी क्लास होती है उसके जो भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं. अगर कोई क्लास है और स्टूडेंट्स जो है वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे या जस्ट टू सेंड देम अ रिमाइंडर, वी कैन शेयर द लिंक क्विकली इन द व्हाट्सएप ग्रुप. स्टूडेंट्स कैन रिमाइंड ईच अदर रिगार्डिंग द क्लास, ऑल्सो अबाउट रिगार्डिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, या अगर असाइनमेंट की लास्ट डेट होती है तो वो भी स्टूडेंट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं.
इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और दिखाना चाहूंगी. इज इट विजिबल तानवी? जी मैम. सो अगेन इट इज वन एकेडमिक ग्रुप बाय अ टीचर. तो यू कैन सी कि कैसे एक टीचर जो है वो पेरेंट्स के साथ जो भी एकेडमिक एक्टिविटी स्कूल में क्लास में होती है उसको शेयर कर सकती है अपने पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ. फोटोज हम शेयर कर सकते हैं, वीडियोज हम शेयर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर कि पेरेंट्स भी कनेक्ट रहे कि क्लासरूम में टीचर जो है वो क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज करती है. इसी के साथ अगर हम कोई भी एक्टिविटी कराते हैं या अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, जैसे हेयर यू कैन सी कि टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी है कि किस तरह से लेटर ड जो है वो बच्चों को पढ़ाना है. तो हमें डी नहीं पढ़ाना, हमें ड पढ़ाना है. एंड व्हाट आर द डिफरेंट वर्ड्स दैट द टीचर हैज डिस्कस्ड इन द क्लास, तो वो भी टीचर शेयर कर सकती है इन द व्हाट्सएप ग्रुप. तो व्हाट्सएप ग्रुप एक्चुअल में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप की सहायता से हम लोग जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक रियल टाइम में शेयर कर सकते हैं. हेयर यू कैन सी कि आज क्योंकि वाटर लॉगिंग थी और स्कूल जो थे वो क्लोज हो गए, तो एक मैसेज सुबह 6 बजे स्कूल के प्रिंसिपल्स ने डिसेमिनेट किया, पेरेंट्स ने मैसेज देखा और एक रियल टाइम में कितने सारे पेरेंट्स और कितने सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हुई एंड दे अवॉइड गोइंग टू द स्कूल व्हेन इट इज क्लोज्ड. तो इस तरह से हम लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं अपने रियल क्लासरूम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी ज्यादा बेहतर बनाने. जी थैंक यू मैम, बेहद शुक्रिया आपका. आपने बहुत सारी जानकारी दी कि किस तरह एक शिक्षक व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकता है और अपनी क्लासरूम को और ज़्यादा बेहतर बना सकता है, टेक्नोलॉजी एंगेज कर सकता है. हमारे पास कुछ सवाल है मैम आपसे जानने के लिए, तो क्या हम शुरू करें? ओके, आपने जब चैलेंजेस और कंसिडरेशंस की बात की तो आपने हमें बताया कि प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शन एक कंसर्न है और डिजिटल डिवाइड भी एक कंसर्न है. एक और कंसर्न पे अगर हम बात करें तो है स्क्रीन टाइम. क्या आपको लगता है कि बच्चे अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखेंगे, अगर आप हर एक सब्जेक्ट का एक क्लास का इतने इतने ग्रुप्स बना दोगे तो क्या बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं हो जाएगा और ये उनके लिए अच्छा है या नहीं है? तानवी बिल्कुल सही कंसर्न जो है वो आपने शो किया, वो मैंने अपने पीपीटी में भी ऐड किया था, बट मे बी आई हैव मिस्ड दैट पॉइंट. स्क्रीन टाइम जो है इसके अपने बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं और हम लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के आईसाइट प्रॉब्लम, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो डिले हो रहा है और वर्चुअल ऑटिज्म जो है एक नई बहुत बड़ा इशू है जो इस स्क्रीन टाइम की वजह से शो हो रहा है. तो ऑब्वियसली दीज कंसर्न्स आर वेरी रियल. लेकिन तानवी जब हम व्हाट्सएप ग्रुप की बात करते हैं तो माई पर्पस हियर इज नॉट टू से कि बच्चा जो है वो पूरे टाइम अपने घर पे व्हाट्सएप ग्रुप को यूज करे. स्टूडेंट जो है वो आजकल घरों में व्हाट्सएप ग्रुप स्मार्टफोन को यूज करते हैं कोई गेम खेलने के लिए, कोई यूट्यूब वीडियो देखने के लिए. तो अगर हम बच्चे के फ्री टाइम में उसके पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि जब बच्चे के पास फ्री टाइम है तो वो उस फ्री टाइम में कोई गेम ना खेले स्मार्टफोन पे, वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चैटिंग ना करें, लेकिन वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट जो कि हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को शेयर करते हैं वो उसमें अपने टाइम को यूटिलाइज करें. तो मुझे लगता है ये एक बेस्ट वे होगा कि हम स्क्रीन टाइम को यूज करें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी पॉसिबल रहे, बच्चे के लिए जो स्क्रीन टाइम है वो एक पॉजिटिव वे में उसको यूटिलाइज करने का मौका मिले. लेकिन यहाँ पर भी कुछ और इश्यूज हैं, वो ये कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह का होमवर्क, इस तरह का कंटेंट शेयर करें जो कि कम वक्त में ज्यादा और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, विच इज एज अप्रोप्रिएट, विच इज एज पर द यू नो इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर हो, उसको शेयर करें. तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है कि वो गूगल पे डिफरेंट सर्च इंजन से सर्च करें और वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को सेलेक्ट करें और फिर शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि स्टूडेंट्स का जो स्क्रीन टाइम है वो एक बेटर तरीके से उसको यूटिलाइज कर सके. जी थैंक यू मैम.
जैसा कि आपने बताया कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्या हम कह सकते हैं कि जब टेक्नोलॉजी मिलती है रियलिटी से तो बर्डन जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है? अगर आज की डेट में एक शिक्षक क्लास में सभी चीज़ें पढ़ा रहा है और वही रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो व्हाट्सएप पे भी भेज रहा है और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल करके टीचर्स से भी बातचीत कर रहा है, अपने कोऑर्डिनेट से भी बात कर रहा है, और इसी तरह बच्चे भी टीचर्स से भी बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात कर रहे हैं और क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं इन अ वे जब हम व्हाट्सएप का या किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बच्चों पर और टीचर पर दोनों पर थोड़ा थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है? एग्जैक्टली तानवी, देखिए बर्डन जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो बर्डन है वो कम भी हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने ठीक कहा कि जो टीचर है वो क्लास भी कंडक्ट कर रही है, फिर रिकॉर्डिंग को शेयर भी कर रही है। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो हमें ये अलाउ कर रहे हैं कि रियल टाइम में मैं क्लास कंडक्ट कर रही हूँ और रियल टाइम में मेरी क्लास जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट क्लिकिंग वन बटन। फॉर एग्जाम्पल टीचमेंट ऐप की अगर मैं बात करूँ या मैं गूगल मीट की बात करूँ या जूम प्लेटफॉर्म की बात करूँ, तो वहाँ पे मैं सिर्फ एक बटन हिट करती हूँ विच इज रिकॉर्डिंग, मेरा जो सेशन है वो रिकॉर्ड हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली जो भी मेरा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उसका एक लिंक जनरेट हो जाता है। और अगर मेरे स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर लाइक फॉर एग्जाम्पल टीचमेंट पे मेरे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं तो उनको ऑटोमेटिकली वो लिंक जो है वो प्रोवाइड होता है, दे कैन एक्सेस माई रिकॉर्डेड सेशन। अब इससे फायदा क्या हो रहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने क्लास को मिस किया, अब जो बार बार आएंगे और कहेंगे मैम आपने क्लास में क्या पढ़ाया, प्लीज मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, मैम आपने वो पॉइंट पढ़ाया था उस टाइम पे मेरा मिस हो गया तो आपने क्या पढ़ाया था, तो वहां पर मेरी एज अ टीचर एनर्जी बच रही है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने 50 स्टूडेंट्स को अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं करना पड़ रहा है कि मैंने क्लास में क्या कंडक्ट किया। मेरे स्टूडेंट्स डायरेक्टली उस लिंक पे जा सकते हैं, मेरा रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं एंड दे कैन गो बैक टू इट, अपने पेस पे स्टॉप करके पॉज करके वो लोग देख सकते हैं, दे कैन लर्न। तो टेक्नोलॉजी जहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो बर्डन बढ़ा रही है कि हमें स्किल्स सीखने हैं, हमें अपने स्किल्स को एनहांस करना है, वहीं पर टेक्नोलॉजी हमको यूजफुल भी साबित हो रही है और हमारे लिए बहुत सारे जगह पे बहुत ही हेल्पफुल भी साबित हमें नजर आ रही है। थैंक यू मैम, मुझे लगता है शिक्षक भी आपके इस जवाब से पूरा रिलेट कर पाएंगे और क्योंकि क्लास में वो इतने सारे बच्चों को हैंडल करते हैं, मुझे लगता है इस प्रोसेस को वो इंजॉय भी करते होंगे इन अ वे। मैम अगर हम व्हाट्सएप के फ्यूचर के बारे में बात करें, आपने एक पॉइंट में मेंशन किया था कि कंपेटिटर्स भी हैं और आपने इसमें टेलीग्राम का भी नाम मेंशन किया था, तो इस तरह अगर हम व्हाट्सएप के फ्यूचर की बात करें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो क्या आप अपना ओपिनियन बताना चाहेंगी कि व्हाट्सएप की जो प्रिवेसी या जो भी डिसएडवांटेजेस हैं या जो प्रिवेसी कंसर्न्स हैं वो बेहतर होने के चांसेस हैं इन फ्यूचर? बिल्कुल तानवी, जैसा कि आपने कहा और जैसा कि मैंने भी अपनी पीपीटी में आप लोगों को दिखाया कि कंपटीशन तो है और कंपटीशन तो हर जगह है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद होगा पहले हम लोग एक सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते थे जिसको हम ऑर्कुट कहते थे जी। लेकिन शायद आज कोई ऑर्कुट पे नहीं है, आप सब फेसबुक पे है और आने वाले टाइम में शायद हम लोग फेसबुक पे भी ना हो और हम लोग सिर्फ इंस्टा पे या फिर एक्स पर हो। लेकिन फेसबुक जो है वो अपने फीचर्स डे बाय डे जो है इनहांस कर रहा है, वो अपने एक प्रोग्रेसिव वे में वो फीचर्स ऐड करता है कंपटीशन की वजह से सरवाइव करने के लिए। तो अगर व्हाट्सएप भी सरवाइव करने के लिए इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में न्यू फीचर्स जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराता रहेगा तो मुझे लगता है कि व्हाट्सएप जो है वो लॉन्ग रन में भी रिटेन कर पाएगा। लेकिन अगर कुछ और भी ऐसे ऐप्स होंगे जो व्हाट्सएप से भी ज्यादा अच्छे फीचर्स हमको प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन सी कि मे बी वी विल स्विच टू दोज ऐप्स आल्सो। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम लोग व्हाट्सएप पे रहेंगे या फिर कोई नया ऐप जो है हम लोग यूज करेंगे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में।
बेहद धन्यवाद मैम, और फ्यूचर के लिए हम अभी यहीं पर बात नहीं करते हैं, फ्यूचर में ही देखेंगे जैसा exactly. आपने बताया. ओके इसी के साथ हम आपका एक बार धन्यवाद फिर से करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, और किस तरह से व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमें हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच तानवी, एंड दोबारा मैं थैंक यू कहना चाहूंगी CIET, NCERT और सभी ऑर्गेनाइजर्स को कि मुझे आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी जहां पर मैं रियल टाइम में जो टीचर्स हैं अक्रॉस इंडिया उन सबके साथ अपने व्हाट्सएप के यूज को शेयर कर पाऊँ. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. जैसा कि मैम ने कहा कि सभी टीचर्स इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, आप भी इससे कुछ सीख सकते हैं अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट के लिए या अटेंडेंस मार्क करने के लिए या फिर प्रोजेक्ट्स शेयर करने के लिए, अपनी रिकॉर्डिंग भेजने के लिए या बच्चों के डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए. तो आप ज़रूर कीजिए, कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमारे ईमेल आईडी पे अपने सवाल भी पहुँचा सकते हैं. एक बार फिर दोहराना चाहेंगे training.helpdesk@ciet.nic.in हमारी ईमेल आईडी है. और इसी प्रकार सभी माध्यम आपकी स्क्रीन पर टिकर के फॉर्म में पूरे इस कार्यक्रम के दौरान चल रहे थे. तो आशा करते हैं कि आपने अपने सवाल हम तक पहुंचाए होंगे, कोई भी डाउट होगा. बाकी मैम की जो प्रेजेंटेशन थी उन्होंने सभी बातें क्लियर की हैं. तो इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और किसी भी कारणवश आपने ये कार्यक्रम नहीं देखा है तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं NCERT ऑफिशियल हमारे YouTube चैनल पर ये आपको मौजूद मिलेगा. और ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, पर आने वाला जो अगला कार्यक्रम है वो भी बेहद खास है, सहयोग, जहाँ हम बातचीत करेंगे एक टॉपिक पर जो कि होगा स्टूडेंट वेलनेस, ओवरकमिंग एडिक्टिव बिहेवियर टुगेदर. तो इस पर बातचीत होगी. अगर आपके पास इससे जुड़े भी कोई सवाल हैं तो हम तक पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा. और आशा करते हैं आपका दिन अच्छा जाए, आपने इस कार्यक्रम से बहुत सारी चीज़ें सीखी हो और आप अपनी क्लास में उनका इस्तेमाल भी करें. मैं हूं तन्वी खुराना, आप सभी से इजाज़त मांगूंगी. हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड. थैंक यू. नमस्कार.